subscribe to our channel and hit the bell icon ताकि आपको regularly educational updates मिलते रहें। आज हम हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जानना होगा कि फंक्शनरीज क्या होती हैं। सबसे पहले फंक्शनरी है मैजिस्ट्रेट, मतलब कोर्ट। सेकंड फंक्शनरी हो गया पुलिस। थर्ड फंक्शनरी हो गया प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं। चौथा फंक्शनरी हो गया डिफेंस काउंसिल्स। और पांचवा और लास्ट फंक्शनरी है प्रिजन अथॉरिटीज। तो ये मेज पांच फंक्शनरीज हैं। फंक्शनरीज मतलब द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विच वर्क अंडर सीआरपीसी और विच फैसिलिटेट द प्रोसीजर्स अंडर सीआरपीसी, दीज आर द फंक्शनरीज। तो मैं कोर्ट की हायरार्की पर आता हूँ। सबसे ऊपर सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, अब थर्ड में क्रिमिनल लॉ है, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कहलाता, सेशन कोर्ट कहलाता है। सेशन कोर्ट में सबसे ऊपर बैठा होता है सेशन जज और या एडिशनल सेशन जज, ये चीज ध्यान रखना। क्रिमिनल कोर्ट है इसलिए सेशन कहलाएगा। सेशन कोर्ट में सबसे ऊपर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज। अब उसको फर्दर बाइफर्केशन कैसे होगी, वो तीन जगह से बटेगा, असिस्टेंट सेशन जज, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तीन चीज, असिस्टेंट सेशन जज, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। याद रखना जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं इन उन्हीं में सिर्फ सीएमएम होगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बाकी अदर स्टेट्स में जैसे राजस्थान, जयपुर, असम, इन सब स्टेट्स में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वही बंदा कहलाएगा, सेम पावर्स होती हैं। उसके बाद चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के नीचे एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसके नीचे दो और, मेट्रोपॉलिटन और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। याद रखना स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स को ऑनररी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स भी कहते हैं। अब मैं आता हूं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की हायरार्की की तरफ। तो सबसे ऊपर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट था, उसके नीचे सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल, और उसके नीचे फर्दर कैसे बाइफर्केशन है, ये सबसे लोअर हो गए जो दूसरे स्टेट्स में होता है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये वाली हायरार्की नहीं होती। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अभी जो मैंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से रिलेटेड बोला वो वाली हायरार्की होती है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पहला, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दूसरा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास तीसरा, चौथा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो ये हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट है। अब मैं बताता हूं कि क्या क्या अथवा कितनी पावर्स है इनके पास। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कोई भी सेंटेंस दे सकता है, पावर ही पावर है। सेशन जज के पास आते हैं, एडिशनल सेशन जज के पास जो आते हैं, तो वो कोई सा भी सेंटेंस दे सकता है, बट अगर उसे डेथ सेंटेंस देना है तब उसे हाई कोर्ट की कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। याद रखना सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कोई सी भी सेंटेंस दे सकता है, फर्क नहीं पड़ता, बट अगर वो डेथ सेंटेंस देता है तो ही हैज टू टेक द अथॉरिटी, ही हैज टू टेक परमिशन और कंफर्मेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट। उसके नीचे आता है असिस्टेंट सेशन जज, ये बंदा 10 साल की पनिशमेंट दे सकता है, अप टू 10 ईयर्स तक की सजा दे सकता है। उसके नीचे हम आते हैं तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसे सीजेएम बोलते हैं, या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये दोनों सेम ही होते हैं, बस मेट्रोपॉलिटन होने की वजह से इनके नाम के आगे मेट्रोपॉलिटन लग गया और दूसरे स्टेट्स में है तो इनके आगे जुडिशियल लगता है, बस और कोई फर्क नहीं है इसमें। तो इन दोनों की पावर, ये दोनों सेम ही पोस्ट है, ये इंप्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स ही दे सकते हैं, याद रखना। उससे और थोड़ा नीचे आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, हमारी दिल्ली वगैरह में मेट्रोपॉलिटन एमएम होते हैं, दूसरे स्टेट में जेएम होते हैं, जेएम कौन से, फर्स्ट क्लास वाले, ये 3 ही साल की पनिशमेंट दे सकते हैं, अप टू 3 ईयर्स। और इनके लिए फाइन का भी अमाउंट, इससे ऊपर वाले अभी तक मैंने जितने बोले इनके फाइन का कोई लिमिटेशन नहीं थी, उनके पनिशमेंट की ईयर्स का लिमिटेशन था, अब यहां से फाइन की भी लिमिटेशन शुरू होगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर एमएम मेट्रोपॉलिटन, ये 3 साल तक की सजा देगा या फिर 10,000 तक का मैक्सिमम फाइन मार सकता है। अब सबसे नीचे जुडिशरी का, सबसे लोअर जुडिशरी का सबसे नीचे अब जो बंदा बैठा होता है उसे कहते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये बेचारा बंदा को पावर ही नहीं इसके पास, 1 साल तक की सजा दे सकता है या फिर फाइन 5,000 तक का मार सकता है। अब इसके अलावा जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, इसके अलावा भी एक तरीके की एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव जो होता है ना, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ना, वो जिस पोस्ट पे जाते हैं ना उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कहते हैं, एक्चुअली दे आर द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कुछ लोग बोलते हैं, उन्हें कलेक्टर साहब भी कुछ लोग बोलते हैं। तो इनके पास भी, इनकी भी थोड़ी सी, एक छोटी सी हायरार्की होती है। सबसे पहले डीएम साहब होते हैं जो आईएएस ऑफिसर है, डीएम या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके नीचे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम, एसडीएम बनते हैं पब्लिक सर्विस, जो स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर होते हैं ना वो पास करके आप एसडीएम बनते हो, और इनसे नीचे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। याद रखना जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है वो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रोल प्ले कर सकता है।
तो जुडिशरी की में जो क्रिमिनल कोर्ट्स थी उनकी हायरार्की मैंने अभी पहले बताई, उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव में जो कोर्ट्स होती हैं जो उनके अपनी अदालतें लगती हैं उनके भी मैजिस्ट्रेट की हायरार्की मैंने अभी बता दी। ये वाले जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो आईएएस ऑफिसर होते हैं सारे के सारे, मतलब ये पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी के पेपर देकर जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स बताया। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके साथ बनाऊंगा उसमें मैं सीआरपीसी के और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।